हेलो दोस्तों दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड ढाई से अधिक कोर्स हैं तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटिशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल हेलो एवरी वेलकम टू विष्णु इकोनॉमिक स्कूल सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स सो इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे टोटल फाइव टू सिक्स वीडियोज़ हैं और इनमें से कुछ वीडियोज़ प्राइवेट हैं जो आपको विष्णु इकनॉमिक स्कूल ऐप पर मिलेंगे और अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट contract ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते और वो लीगली बाइंडिंग भी नहीं होते तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट लीगली बाइंडिंग एंड नॉट एन्फोर्सेबल बाय लॉ तो यहाँ पर ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स थे फिर बाद में ऐसा कुछ होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म नहीं हो सकते और वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की जो पूरी फॉर्मेशन प्रोसेस है उससे गुजर चुके होते हैं मतलब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुके होते हैं लेकिन बाद में वो वॉइड uh, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं जब हमने डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था तो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है क्या उसके स्टेजेस हैं उसकी प्रोसेस क्या होती है उसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स को अच्छे से समझ पाएं तो जब हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफ़िनेशन डिस्कस करी थी तब हमने पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के लिए सबसे पहली स्टेज होती है ऑफ़र और प्रपोज़ल पहले एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देती है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का फिर दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है देन इन दोनों को मिलाकर एक अग्रीमेंट बनता है फिर वो अग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया तो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो इन स्टेजेस से गुजर चुके होते हैं वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पहले बन चुके होते हैं लेकिन बाद में ऐसी कंटेन्जेंसीज आती हैं, जिनकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म नहीं हो पाते और वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे एग्जाम्पल से इसीलिए क्योंकि क्योंकि बुक में जो डेफिनेशनस हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है और हम इसको सही से समझ नहीं पाते और हम इनको डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते इसीलिए एग्जाम्पल से समझना ज़रूरी है ताकि आप एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएँ और इसको समझ पाएँ तो अब मान लेते हैं कि एक्स एंड वाई दो पार्टीज़ हैं और इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कि एक्स विल मैरी वाय डिसम्बर तो इन दोनों के बीच में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक्स एंड वाई विल मैरी इन डिसम्बर सो एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर फॉर्म हो गया है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो चुका है तो अग्रीमेंट भी हो चुका और एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है लेकिन अब क्या होता है इस केस में नवंबर में ही वाई जो है वो मेंटली साउंड नहीं रहता है तो ऐसा नवंबर में ही हो जाता है और दिसंबर का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उससे पहले ही नवंबर में ऐसे होता है कि एक्स जो है वो मेंटली साउंड नहीं रहता है तो इस केस में इस स्टेज पर मतलब नवंबर में हम कहेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में से एक पार्टी जो है वो मेंटली साउंड नहीं रही है तो इस केस को हम कहते हैं जो एग्जाम्पल हमने लिया कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले फॉर्म हो गया उसके बाद वो परफॉर्म नहीं हो पाया तो इस केस को हम कहते हैं कि ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो पाए तो जो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ मैरिजेस के केसेस में ही नहीं और भी ट्रेडिंग के केसेस में हो सकती है जैसे लाइव स्टॉक में अगर हम ट्रेड करते हैं और वो लाइव स्टॉक परफॉर्म होने से पहले ही अगर उसको कुछ लॉस हो जाता है उस लाइव स्टॉक को लाइव स्टॉक में काउज़ आते हैं कैटल आता है पूरा तो अगर उसको कोई लॉस हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाता अब इसमें इन दोनों में से किसी भी पार्टी का कोई फॉल्ट नहीं है क्योंकि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही पार्टीज़ ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉफुली फॉर्म किया था लेकिन कुछ सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज़ की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाया अब इसकी एक और कंडीशन है सब इिग्यालिटी अब सब्सिक्वेंट इ का मतलब क्या है जब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा था मतलब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल था लेकिन लेटर ऑन वो इलीगल बन जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो इलीगल हो जाता है तो ऐसे केसेस में भी वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो फॉर्मेशन के टाइम पर तो लीगल था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन बाद में वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और इसमें जो भी पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें से किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं होता और ये ऐसी कंटेंजेंसीज हैं जिस पे किसी भी पार्टी का कंट्रोल नहीं होता तो इसीलिए इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं तो अब इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं एक्स वाई जी एक कंपनी है जो टबाको में डील करती है और जो एक्स वाई जी कंपनी के सप्लायर एक्स वाई जी कंपनी और उसके सप्लायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है एवरी मंथ टेन करोड़ की ट्रेडिंग करेंगे लेकिन ऐसा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले ही गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लाती है कि अब टोबैको की प्राइवेट डीलिंग जो है वो बैंड है तो अब इस केस में ना एक्स वाई जी का कोई फ़ॉल्ट है ना ही उसके सप्लायर्स का कोई फॉल्ट है तो ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं ये सब्सिक्वेंट इलिगैलिटी है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा था तब तो ये करना लीगल था लेकिन बाद में ऐसा होता है ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से पहले ही कि वो इ्लीगल बन जाती है गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ आती हैं कि टोबैको की डीलिंग जो है वो इलीगल हो जाती है तो इस केस में जो अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो एक वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा जो कि फॉर्मेशन के टाइम पर तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था टोबैको तो की डीलिंग इ्लीगल होने के बाद वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो जाता है दोनों ही पार्टीज़ के एंड पर सब्सिक्वेंट इलिगैलिटीज़ और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के केस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा जो कि पहले तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन बाद में एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ये पॉइंट यहाँ पर समझना इम्पॉर्टेंट है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बाद में एक वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले वैलड कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं लेकिन बाद में ऐसा कुछ होता है कि वो परफॉर्म नहीं हो पाते और फिर वो एक वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वॉइड अग्रीमेंट पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो भी डिस्कस करेंगे सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू